टाइम से पैसे के लेन देन को लेकर परेशान था। फिलहाल अभी एफएसएल का रिपोर्ट आना बाकी है और बॉडी को जो है पीएम के लिए भेजा गया है और इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर आत्महत्या की मुख्य वजह क्या है, मुख्य वजह क्या रही होगी। इसके साथ ही पूरे परिवार में 5 सदस्य थे जिसमें तीन लोगों ने जो है आत्महत्या की है। इसके साथ ही जो उनकी दो बेटियाँ थी उनकी शादी हो चुकी है और अभी फिलहाल वो भी जो है रायपुर पहुँच चुके हैं और पुलिस के द्वारा आस पड़ोस के लोगों से लगातार बातचीत की जा रही है, परिवार के लोगों से भी बातचीत की जा रही है और इसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर हत्या की वजह क्या रहेगी। और 2 से 3 दिन में एफएसएल रिपोर्ट आने की बात भी एडिशनल एसपी के द्वारा बताई गई। जी, कुछ जादू टोने के शक होने की बात भी कही जा रही है कि जादू टोने का शक था परिवार के लोगों को, परिवार के मुखिया पर ऐसा शक था, क्या इस बारे में जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए पुनीत, जब आस पड़ोस के लोगों से इस पूरे मसले पर बात की गई तो आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि जो मृतक है उसको काफ़ी समय से ये डाउट था कि उसके ऊपर किसी ने जादू टोना जो है किया है। हर जिस कॉलोनी के सेकंड फ्लोर में वो रहा करते थे उस ब्लॉक के जस्ट सामने वाले जो उनके पड़ोसी थे उनके ऊपर जो है जादू टोने का उनको शक था। उनका कहना था कि उन्होंने उनके ऊपर जादू टोना किया और इसी को लेकर वो काफ़ी लंबे समय से परेशान चल रहे थे। उनका कहना था कि जादू टोने के कारण उनकी स्थिति जो है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है और उनके द्वारा लगातार सुसाइड करने की बाद भी जो है आस पड़ोस के लोगों को कहा जाता था और आस पड़ोस के लोगों ने इस बात की जानकारी दी है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर इस बात की कोई पुष्टि नहीं है और जब तक एफएसएल रिपोर्ट नहीं आएगी तक तक स्पष्ट कारणों का जो है पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, रिपोर्ट एफएसएल रिपोर्ट तो आएगी लेकिन साथ ही साथ वो डायरी जो मिली है उसमें क्या कुछ जिक्र है और पुलिस क्या कुछ तफ्तीश करती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, दोनों हमारे सहयोगी जानकारी दे रही थी। और रायपुर में ये जो मामला सामने आया है कि परिवार के 3 लोगों की खुदकुशी की खबर ने जिला प्रशासन को भी परेशान कर दिया। पुलिस अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। मृतकों के घर में पुलिस को डायरी मिली है और जांच टीम को भरोसा है कि ये डायरी सामूहिक खुदकुशी के रहस्य से पर्दा उठा पाएगी। उधर रायपुर में सामूहिक खुदकुशी पर राजनीति शुरू हो चुकी है कि परिवार के 3 लोगों की खुदकुशी के मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज कह रहे हैं कि मोदी सरकार की महंगाई, बेरोजगारी की वजह से, बीजेपी सरकार की वादा खिलाफी की वजह से लोग हतोत्साहित हैं। बीजेपी भी इस मामले में प्रतिक्रिया दे रही है। कॉलोनी है यहाँ, क्या बोलते हैं, टिकरापारा थाना क्षेत्र अंतर्गत, तो वहाँ कुछ लोगों के द्वारा सूचना दी गई थाने में कल रात में कि एक घर से बदबू आ रही करके, तो पुलिस के द्वारा वहाँ मौके पर जाया गया तो वहाँ पे 3 लाशें हैंगिंग अवस्था में थी। पुलिस के द्वारा जांच कार्रवाई चालू की गई। अभी मामले में एफएसएल रिपोर्ट आना शेष है और पीएम हो रहा है आज, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, जो कोई नोट मिले हैं, कोई क्या कुछ कारण निकल कर सामने आ रहा है? एक पॉकेट जो नोटबुक होता है उस टाइप का उसमें मिला है। अभी तस्दीक की जा रही है और फिंगरप्रिंट और जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट होते हैं उनको भी भेजा जाएगा। क्या कुछ लिखा है सर? फिर भी आज का भी सर है, दुखद घटना है, नहीं होना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे सरकार को आरोप लगाती थी, आज पूरी तरह से ये सरकार आत्महत्या या अन्य घटनाएं रोकने में नाकामयाब हो रही है। कहीं न कहीं इसका कारण है कि सरकार ने जो वादा किए, जिस तरह किसानों का मामले में हो, 3100 धान खरीदी का अभी तक कोई रूपरेखा तय नहीं, कर्जा माफी नहीं, तो इन सब को देखते हुए कहीं ना कहीं बड़ा हताशा है, इसलिए आत्महत्याएं हो रही है। कांग्रेसियों के पास में मुद्दे नहीं है और उन उसके कारण से ये स्थिति निर्मित हुई है। आज वो अपने हार को नहीं पचा पा रहे हैं, वो कोई भी कारण किसी के ऊपर भी इस तरीके से आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रहे। चलिए बढ़ते आगे। विधायक का बनने के बाद बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने नगर निगम के अधिकारियों की पहली बैठक बुलाई जिसमें विधायक स्मार्ट सिटी, अमृत मिशन, सीवरेज परियोजना समेत शहर के अधूरे पड़े कार्यों की समीक्षा करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने सड़क किनारे ठेले और गुमटी लगाकर व्यापार करने वालों के लिए एक पॉलिसी तैयार करने के लिए कहा है ताकि उनका रोजगार बना रहे और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी बेहतर हो पाए। उन्होंने पीएम आवास के तहत पूर्ण हो चुके मकानों का आवंटित करने का निर्देश दिया। आज सारे अधिकारियों के साथ बैठक नहीं कि कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कौन से अधूरे हैं, इसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है और फ्यूचर में क्या है। आज मैंने प्राइमा फेसी एक कहना चीज इन्फॉर्मेशन के लिए बैठक हुई है और आगे चल के पूरे नगर निगम सीमा का ये शहर एक अच्छे शहर के रूप में कैसे परिवर्तित हो,
इसमें ज़रूरत आगे भी पड़ेगी इंटीग्रेटेड एक कमेटी बनाने की। तो आज मैं सारे डिपार्टमेंट से अलग अलग जानकारी ले रहा हूँ और आने वाले समय में ये शहर का इंटीग्रेशन, पूरा शहर की एक पूरा कहना चाहिए रोड मैप 5 साल के लिए बना के काम करना, उसकी ये प्रारंभिक तैयारी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस नेताओं को पीएम मोदी के राम मंदिर जाने से क्या तकलीफ है। पहले भी मंदिर निर्माण के समय उन्होंने विरोध किया। जनता जानना चाहती है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस का क्या कहना है। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं। देखिए, 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। देश में सभी नागरिक चाहते हैं कि अयोध्या में रामलला का दर्शन करें, और सैम पित्रोदा का बयान तो कांग्रेस के वास्तविक चेहरे पे से नकाब उतार दिया है। दरअसल कांग्रेस को प्रधानमंत्री राम मंदिर जाते हैं तो तकलीफ है, राम मंदिर का निर्माण हो जाने के बावजूद तकलीफ है। अब जब राम मंदिर का निर्माण हो गया है तो उससे दूरी बनाने की कोशिश भी कांग्रेस कर रही है। दरअसल कांग्रेस वास्तव में चाहती क्या है, इस देश की आस्था के साथ में खिलवाड़ करने का काम पहले भी कांग्रेस ने किया कि राम मंदिर के निर्माण में तमाम प्रकार की जो बाधाएं उत्पन्न हुई हैं, इंडिया अलायंस जो है कांग्रेस का, उसके तमाम सहयोगी इस मंदिर का विरोध कर रहे हैं, नहीं जाने की वकालत कर रहे हैं। ऐसे समय में कांग्रेस लाभ और हानि के दृष्टिकोण से राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट मांग करती है कि आखिर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस का क्या स्टैंड है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश के अंदर में रामलला का भव्य मंदिर बना, लेकिन उससे दूरी बनाने का प्रयास ये गठबंधन भी कर रहा है और कांग्रेस बड़े असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रही है। ये कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य का विषय है। कवर्धा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने वनांचल वासियों को सौगात दी है। विजय शर्मा ने स्टेडियम निर्माण के लिए 15 लाख रुपए, बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए 5 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। बताएं कि गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने मांग की, जिस पर डिप्टी सीएम ने यह स्वीकृति दी। ग्रामीणों ने डिप्टी सीएम का स्वागत भी किया। बस्तर का रुख कर लेते हैं। नई सरकार बनते ही नक्सलियों पर यहां पर कार्रवाई में तेजी देखी जा रही है। नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले बस्तर में सुरक्षा कैंप बनने से नक्सलियों में खलबली मची हुई है। सुकमा और बीजापुर जिले में नक्सलियों के लीडर्स के ठिकानों पर सुरक्षा बल लगातार दबिश डाल रहे हैं। नक्सलियों को घेरने के लिए सुरक्षा बलों ने नई कमेटी भी बनाई है। संभाग में लगभग 65 से अधिक नए सुरक्षा कैंप को स्थापित कर दिया गया है, जिसे नक्सल प्रभावित इलाका घटता जा रहा है। बस्तर आईजी ने नक्सलियों से सरेंडर करने या फिर अंजाम भुगतने की बात भी कह डाली है। जिस तरीके से विगत वर्षों में माओवादियों की काफी प्रभाव वाला इलाका रहा, जो दक्षिण बस्तर क्षेत्र में लगभग 65 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित करके उन इलाका में नक्सलवादी अभियान के साथ साथ जो क्षेत्र की जनता का मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने में भी सुरक्षा बल द्वारा काफ़ी बेहतर कार्य की गए थे, उन सब के परिणाम आने वाले समय में हमको और अच्छे एक सकारात्मक परिणाम के रूप में देखने के लिए मिलेगा। और खासतौर पर जो माओवादियों के जो बटालियन नंबर 1 और उनकी जो अन्य जो फॉर्मेशन है जिसके ताकत थोड़ा फॉर्मिडेबल है, उन इलाके में भी सुरक्षा बल द्वारा काफ़ी अच्छी कार्रवाई की गई थी, जिसकी कारणवश अभी नक्सल घटना में भी विगत वर्षों की तुलना में धीरे धीरे कमी आ रहा है। इधर कांकेर में डीआरजी और बीएसएफ जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। सर्चिंग पर निकले जवानों ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया। जवानों के हत्थे चढ़े नक्सली पर नारायणपुर और कांकेर में नक्सल हमले में शामिल होने का आरोप है, जिसे छोटे बेटिया थाना क्षेत्र से जवानों ने घेराबंदी कर दबोच लिया है। नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, उसी क्रम में आज एक नक्सली मिलिशिया सदस्य शंकर नूरेटी, जो कि जारावर नारायणपुर का रहने वाला है, उनको छोटे बेटिया से गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है, जो कि नक्सली घटना में मुरकंडी में हुई नक्सली घटना में शामिल रहा है और नक्सली घटनाओं में भी उसके शामिल होने के संबंध में प्रमाण मिले हैं। आगे की विवेचना जारी है।
नए साल के जश्न से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं और सूत्रों के मुताबिक पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी कटौती होने जा रही है। पेट्रोल और डीजल पर 8 से 10 रुपए प्रति लीटर तक इसके दाम कम हो सकते हैं, जिसका इंतजार लंबे समय से जनता को था। तो ये बहुत जल्द ऐसी खबर सामने आ सकती है कि 8 से 10 रुपए पेट्रोल और डीजल दोनों पर घट सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि डीजल के भाव अगर कम होते हैं तो कमोडिटी पर भी इसका असर पड़ेगा और लोगों को राहत मिलेगी। वहीं बिलासपुर वासियों को बीसीसीआई ने बड़ी सौगात दी है। न्यायधारी में छत्तीसगढ़ का दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तैयार होगा। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के प्रस्ताव को बीसीसीआई ने मंजूरी दी है। बीसीसीआई ने क्रिकेट संघ को बिलासपुर में स्टेडियम के लिए जगह तलाश करने के निर्देश दिए हैं। खास बात यह है कि बिलासपुर में बनने वाला यह क्रिकेट स्टेडियम प्रदेश में बीसीसीआई का पहला स्टेडियम होगा। यह स्टेडियम तमाम आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस होगा। इस स्टेडियम के लिए 15 से 20 एकड़ या इससे ज्यादा जमीन की दरकार होगी ताकि इसमें इंटरनेशनल मैचेस का आयोजन किया जा सके। जिला प्रशासन शहर के 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में स्टेडियम के लिए जमीन की तलाश कर रहा है और जमीन मिलने के बाद जल्द ही स्टेडियम के निर्माण का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। गरियाबंद में अवैध धान परिवहन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इस कड़ी में पुलिस ने ओडिशा से 4 वाहनों में भरकर लाया जा रहा धान जब्त किया। इन वाहनों से 255 बोरा धान बरामद किया गया। कलेक्टर ने सीमा से लगे पोस्ट पर 24 घंटे कड़ी निगरानी बरतने के निर्देश दिए। जब्त किया गया था और कोटवार को सुपुर्द किया गया था, लेकिन वहां पे किसी ने क्लेम नहीं किया था, इस वजह से उसकी जब्ती बनाई गई थी। उसके बाद वहां पे किसी व्यक्ति ने उसको बलात् लेके जाने की सूचना हमें कोटवार से मिली थी, जिसकी लिखित सूचना के आधार पे हमने पुलिस को भी लिखा है, FIR के लिए लिखा है, लेकिन वो अभी प्रक्रियाधीन है, उसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इधर अंबिकापुर में सर्दी का डबल अटैक देखा जा रहा है। जिले में चल रही शीतलहर के बीच तापमान के गिरने का सिलसिला शुरू है और कई जगहों पर तो न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इस बीच चल रही सर्द हवाओं ने आम लोगों की मुसीबत बढ़ा रखी है, जिससे बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। गरियाबंद के मौसम की भी बात कर लेते हैं, जहां पर तेज ठंड के बीच कोहरे का कहर भी देखने को मिल रहा है और जिले में लगातार न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। विजिबिलिटी 2 मीटर से भी कम यहां पर नजर आ रही है। इसकी वजह से लोगों का सड़क पर चलना भी मुश्किल होने लगा है। मनेंद्रगढ़ जिले में कड़ाके की ठंड की वजह से पारा 10 डिग्री से नीचे लुढ़क चुका है। ठंड की वजह से सड़कें वीरान नजर आ रही हैं। आम लोगों के काम को ठंड ने प्रभावित कर रखा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी घट चुकी है और ऐसे में ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही की भी बात कर लेते हैं, जो कि पर्यटन के लिए लोग जाना जाता है और लोग यहां पर आने लगे हैं। जिले के खास पर्यटन क्षेत्र में 10 ऐसे स्पॉट हैं जहां पर पर्यटक नए साल में बड़ी संख्या में जुटते हैं। इनमें एक पर्यटन क्षेत्र का हिस्सा दुर्गधारा है, जहां तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। जगदलपुर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नक्सलियों के विस्फोटक का जखीरा बरामद किया गया है। बड़ा एक्शन, नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल के जवानों ने लिया है और जखीरा मिला है। विस्फोटक और घातक हथियार यहां से बरामद किए गए हैं। नक्सलियों ने इसे जंगल में छिपाकर रख रखा था। बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिला है। 142 बीएसएफ बटालियन ने कार्रवाई अंजाम दी है। मलकानगिरी के काली मेला इलाके की यह घटना बताई जा रही है, जहां से बड़ी मात्रा में नक्सलियों के खिलाफ जो बड़ा एक्शन लिया गया, बड़ी मात्रा में विस्फोटक का जखीरा बरामद किया गया है। बहुत बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री इन्होंने इकट्ठा कर रखी थी, जंगल में छिपाकर ये रखी गई थी और 142 बीएसएफ बटालियन ने कार्रवाई की है। मलकानगिरी के काली मेला इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ जवानों ने एक बड़ा एक्शन लिया और देखिए ये कितनी बड़ी मात्रा में, कितने धमाके ये कर सकते थे। और IED यहां से बड़ी मात्रा में बरामद किया गया है। कितना बड़ा नुकसान करने की पूरी साजिश थी, लेकिन इस साजिश को बेनकाब कर दिया और एक बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिला है।
अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल अयोध्या धाम एयरपोर्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। एयरपोर्ट की बिल्डिंग दीवार पर भगवान राम के जीवन काल के ऐतिहासिक क्षण की तस्वीरों को उकेरा गया है। तस्वीरें देखिए। तो प्रभु राम के जीवन दर्शन आपको हो पाएंगे एयरपोर्ट जब आप पहुंचेंगे, और देखिए कितने सुंदर तरीके से इसे सजाया गया है, कितनी सुंदर यहां तस्वीरें यहां पर लगाई गई हैं। और रामचरितमानस या रामायण जो है उसमें कई सारे घटनाक्रम जो हैं उसकी तस्वीरें यहां सजाई गई हैं, लगाई गई हैं। और चूंकि अयोध्या श्री राम का धाम है और ऐसे में इस धाम पर आने वाले जो लोग रहेंगे तो उनको एयरपोर्ट से ही इसका एहसास भी होने लगेगा।